गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है हमारे नए क्लास में। आप लोग मेरे को तो जानते हैं, मेरा नाम संजीव कुमार सिन्हा है और मैं पिछला जेपीएससी मैंने क्वालिफाई किया है और अभी मैं फिनांस सर्विस में हूँ। चूंकि मेरा शेड्यूल तो थोड़ा बिजी है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये क्लासेस मैंने शुरू किया है। और इसके पहले मैं चूंकि पर्सनली क्लास ले रहा था, लेकिन थोड़ा वो बस ऐसे ही चल रहा था एज यूजुअल। लेकिन चूंकि अब आपको मेंस लिखने हैं, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी होगी। तो मैंने थोड़ा इसको चेंज किया है ना, और ज्ञान सागर से जुड़ के मैं थोड़ा क्लास मतलब ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ सकें। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पर्सनली जब मैं क्लास ले रहा था, तो मैं आप लोगों को समय भी उतना नहीं दे पा रहा था, और प्लस टेस्ट वगैरह भी नहीं हो पा रहा था। और अब आप लोगों के लिए टेस्ट भी जरूरी है, प्लस नोट्स भी प्रोवाइड करने होंगे, क्योंकि समय कम है। मतलब ये मान के चलिए कि आपको मेंस के लिए मात्र 3 से 4 महीने समय है आ रहा है, तो आप 4 महीने में आपको तैयारी करनी है। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी और मुझे भी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाना होगा। तो मैं इसलिए थोड़ा अपने क्लास को मॉडिफाई किया और ई ज्ञान सागर से जुड़ के इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले मैं गूगल मीट पे क्लास लेता था, तो उसमें ड्यूएल कन्वर्सेशन होता था, तो उसमें थोड़ा हम लोग डिस्टर्ब भी होते थे क्लासेस में। अभी समय कम है हमारे पास, तो डिस्टर्बेंस भी नहीं होनी चाहिए, और हम लोगों को रेगुलर वे में पढ़ना भी है। तो इसीलिए ये क्लास थोड़ा अरेंज वे में हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपके आपके समय की भी बचत हो। और दूसरी बात है कि आप भागा दौड़ी भी ना हो, आपको क्वालिटी भी मिले, टेस्ट भी हो, नोट्स भी प्रॉपर वे में अपडेट करके मिले। तो इसीलिए आप लोग इस क्लास को करें। और आपको पता ही होगा कि मैं पढ़ाता भी था, तो पढ़ाने के दौरान मैं भी पढ़ता था। और इसके साथ ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे साथ पिछले 6 JPSC में लगभग 40 स्टूडेंट्स तो मेरे क्वालिफाई किए होंगे, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है कि नहीं, मैं यदि सही से गाइड करूँ तो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से एग्जाम पास कर सकते हैं। चूंकि मेरा 2 सब्जेक्ट है, एक तो मैं ज्योग्राफी और दूसरा साइंस, ये 2 सब्जेक्ट की मैं गारंटी लेता हूं कि आप यदि मैं जैसे बोल रहा हूं आप उस तरह पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, एकदम डेफिनेट है। मेरे पिछले जो 6 JPSC हुआ उसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्योग्राफी के वजह से हिस्ट्री और प्लस ज्योग्राफी, मतलब हिस्ट्री तो मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन ज्योग्राफी के वजह से उनका मार्क्स 125 एंड मोर ये आया है, और साइंस में भी सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आप यदि इसको फॉलो करेंगे अच्छे से और मैं जैसे बोलूंगा, टेस्ट देंगे, मैं रिमार्क करूंगा, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके पास समय कम है, लेकिन समय कम डोंट वरी, आप उस समय को यूटिलाइज बढ़िया से कर सकते हैं। मतलब आप यदि एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉपर वे में आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप आराम से मेंस पास कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात तो है, आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे, कम से कम समय में हम लोग किस तरह मतलब आप स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आप सक्सेस हो जाएंगे। ये मान के चलिए कि इस बार आपको समय नहीं मिल रहा है, 3 से 4 महीने में आपके मेंस हो जाएंगे, तो इसलिए आप जो है एक स्ट्रेटजी बनाइए। क्योंकि देखिए, एग्जाम पास होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है, सबसे पहला चीज जो है, जो फर्स्ट कंडीशन इज आपका स्ट्रेटजी, आप कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेटजी आपका सही होगा तो आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, बिना स्ट्रेटजी के पढ़ेंगे तो एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज है आपको स्ट्रेटजी क्लियर करना, स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है। हम मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, केवल साइंस और ज्योग्राफी की नहीं। सबसे पहले तो आप अपना स्कोर देखिए। सबसे पहली बात तो है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये है कि क्या मैं पीटी पास कर पाऊंगा या नहीं। तो हम लोगों का, खास करके मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जेपीएससी भी दिया, बीपीएससी भी दिया, इंटरव्यू फेस किया। बीपीएससी में मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया, भाई लकीली नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, फिर जेपीएससी भी मैंने दिया। तो मेरे को ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन देखकर और सारा कुछ क्लियर होकर मैं ये बता रहा हूँ कि यदि जनरल में आप यदि
110 to 115 आपने किया है तो आप श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। और 115 से अबव है, सबसे पहली बात तो है कि देखिए यहाँ पे ये जेपीएससी की एग्जाम है, आप एक गजेटेड ऑफिसर बनने वाले हैं तो आप सबसे पहले ईमानदारी से अपना स्कोर को चेक करें कि आपने कितना करा है। क्या बोलते हैं लोग उस पे मत जाइए, आप एकदम ईमानदारी से अपने स्कोर को चेक कीजिए आपका स्कोर कितना हो रहा है। और जेपीएससी वाले आंसर से है ना, ऐसे बहुत सारे आंसर आए हैं, बहुत सारे आंसर बहुत जगह के आंसर भी अच्छे हैं, उनसे भी आप मिला सकते हैं, लेकिन अब जेपीएससी चूंकि दे चुका है तो आप उससे मिलाइए। यदि आप 110 टू 115 है जनरल में तो आपका सिलेक्शन सियोर है और आपको मेरे हिसाब से तैयारी में लग जाना चाहिए और एकदम युद्ध स्तर पे तैयारी में लग जाना चाहिए। और 115 से जिन्होंने ज्यादा किया है वो तो एकदम श्योर है, उनका सिलेक्शन श्योर है। भीड़ पे मत जाइए कि इतने स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं क्या होगा, हर बार भीड़ रहता है लेकिन भीड़ पे मत जाइए। कंपटीशन मात्र 25% स्टूडेंट्स में ही होता है और ये 25% स्टूडेंट्स में इतना, ये जो क्वेश्चन था मैंने भी देखा, क्वेश्चन बहुत डेप्थ क्वेश्चन था, तो 110 से 115 स्कोर करना बहुत अच्छी बात है, अपने आप में ये बहुत अच्छा स्कोर है और इसी के हिसाब से आप तैयारी शुरू कीजिए। ये तो हो गया आपका मतलब कि क्या स्कोर आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा। बाकी पिछले बार तो चूंकि जनरल का कट ऑफ कम था और कैटेगरी में कट ऑफ ज्यादा था क्योंकि पिछले बार रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया गया था। अब वो चूंकि देखिए पहले जो एग्जाम होते थे वो बिहार के नियमावली से होता था, अब झारखंड सरकार ने अपना नियमावली बनाया है एग्जाम के लिए, तो इसमें आपको रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा, रिजर्वेशन मिलेगा आपको। तो जब रिजर्वेशन की बात होगी तो ऑब्वियसली जनरल का थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाएगा और बाकी कैटेगरीज के कट ऑफ नीचे आएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बाकी के कैटेगरीज के नीचे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बाकी का जो है वो नीचे जाएगा। तो मान के चलिए कि यदि जनरल का कट ऑफ 110 से 115 है तो ओबीसी बीसी वन एसटी एससी का कट ऑफ नीचे जाएगा, तो आप उसी हिसाब से अंदाज लगा लीजिए। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई एससी कैटेगरी में है वो यदि 105 करते हैं तो वो भी सियोर है कि उनका होगा। फिर जनरल में भी जिनका इकोनॉमिकली भी वीकर कैटेगरी से है उनका भी सिलेक्शन हो सकता है यदि 110 किए हैं तो इस तरह से लग जाना चाहिए आपको। दूसरी बात, मान लीजिए बाय द वे नहीं होता है तो आपकी आपका ये पढ़ाई जो है वो कहीं खराब नहीं जाएगा। आप मेंस तो कर चुके होंगे ना, मेंस का बर्डन तो खत्म होगा और आप सब लोग जानते हैं कि मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है। वो यदि कोई ये बोलता है कि मैं इसको 5 महीने में पढ़ के क्वालिफाई कर जाऊंगा, मतलब ऐसे जनरली, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक साल का पूरा सिलेबस है। लेकिन चूंकि अब समय कम है तो ये भी नहीं सोचना है कि नहीं होगा, होना तो सियोर है, बस एक स्ट्रेटजी के तहत आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग ये बात कर लिए कट ऑफ की कि हम लोगों का कट ऑफ कितना जाएगा। अब रह गया स्ट्रेटजी, आप क्या बनाएंगे मेंस के लिए, आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। देखिए मेरा ये मैंने रिसेंट पास किया है तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनाया जाए और किस तरह से एग्जाम पास किया जाए। चूंकि मेरे पे आप लोग सब लोग जानते हैं मेरे पे फैमिली बॉदरेशन भी था, एक परिवार है मेरा उसको भी चलाना है, उसके लिए अर्न भी करना है, अर्न करने के लिए 8 से 10 घंटे टाइम देने हैं, 8 आवर्स मिनिमम। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मेरे तरह ही किस कंडीशन या सिचुएशन को वो मतलब उससे सफर कर रहे होंगे, उनको भी अर्न करना जरूरी है, एक फैमिली चलाना जरूरी है। तो इससे भी तो बहुत लोग ये सोचते हैं अरे इतना समय में मैं कैसे करूंगा, है ना, अर्न भी करना है, जॉब करना है, बिजनेस है तो बिजनेस करना है। फिर भी आप कर सकते हैं जो मैंने किया, है ना। मैं मतलब कि 8 घंटे अपना अर्न के लिए मेरा फोकस होता था लाइफ में, 8 आवर मेरा काम होता था क्योंकि टीचिंग लाइन से था, तो ये 8 आवर मैं टीचिंग मतलब 8 घंटा तो पढ़ाना ही पड़ता था, 8 नहीं तो कम से कम 6 घंटा तो पढ़ाना पड़ता था। अब इसी बीच में मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे टाइम को यूज किया जो मेरा वेस्ट जा रहा था, उस समय को मैंने यूज किया और पढ़ाई किया। ठीक है, तो आपको भी वही करना है, ये नहीं सोचना है कि कैसे करूं। अच्छा, दूसरी बात है जैसे मैं अभी आपको 7 से 9 पढ़ा रहा हूं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ये टाइम सुटेबल नहीं है। यदि पॉसिबल हो तो ये टाइम को आप मैनेज करें और नहीं पॉसिबल है तो इसीलिए मैं एक और आपको फैसिलिटी दे रहा हूं कि ये रिकॉर्डिंग होगा हर क्लास का और पर डे आपको ये रिकॉर्डेड क्लास भी आप ले सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास लेंगे तो आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपका जो वो छूटा हुआ होगा, क्योंकि अब समय नहीं है कि क्लास छूट गया तो कैसे नोट्स लिखे, किससे मांगे, वो समय नहीं है। तो ये फैसिलिटी भी, इसीलिए मैं थोड़ा प्रोफेशनली अब पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली ये संभव नहीं था, तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हैं। तो ये मैंने इसीलिए किया है कि जिनका क्लास मान लीजिए छूट जाता है तो
तो वो उस रिकॉर्डेड क्लास को देखेंगे तो उनको ये फील होगा कि मैं क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गई बात, आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, अब हम लोग स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप पेपर देखिए, चूंकि हिंदी इंग्लिश, हिंदी और फर्स्ट पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश है, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो हमारे 6 JPSC में ये एक पेपर की तरह ऐड हुआ था, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में क्लियर क्लियर दिया हुआ है कि ये पेपर में ऐड नहीं होगा। करते हैं हिंदी इंग्लिश अब आपका क्वालिफाइंग है, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश अब क्वालिफाइंग नेचर का है और इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। हमारे 6 JPSC में ये लिखा हुआ नहीं था कि मार्क्स ऐड होगा, मतलब ये नहीं लिखा हुआ था, केवल लिखा हुआ था क्वालिफाइंग और उन्होंने इसको ऐड किया, तो खैर चलिए आप इससे फ्री हो गए, इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। बहुत लोग इस पे भी परेशान होते हैं कैसे पढ़े, आपने 10th में पढ़ा है उसी से हो जाएगा, कुछ नहीं है। हिंदी में क्या है, एक निबंध लिखना है, आप निबंध लिख सकते हैं, उसके बाद कुछ शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण सीओर है, शुद्धिकरण आप ये टॉपिक्स लिख लीजिए, शायद आपका आपको काम आ जाए। हिंदी इंग्लिश में आप सबसे पहले तो एक निबंध की तैयारी कर लेंगे, निबंध के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ एक 10th की बुक आती है उसको थोड़ा देख लेंगे, है ना, तो वो निबंध टच हो जाएगा। और जब आप एग्जाम देंगे तो उस समय का रिसेंट करंट का कोई क्वेश्चन को, कोई मुद्दा जो होगा वो सियोर आएगा, है ना, वो सियोर आएगा। जैसे 6 JPSC में महिला सशक्तिकरण पे आया था तो हमने लिखा था उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो है एक निबंध लिखेंगे, शुद्धिकरण, वाक्य का शुद्धिकरण, वो जनरली उसके लिए भी बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो आप देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गलती क्या है, ठीक है ना। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, टेंस वाली गलती होती है, था है, फिर प्रीपोजिशन वाली थोड़ी गलती होती है, तो थोड़ा 10th का बुक देख लेंगे 5-10 दिन पहले तो हो जाएगा। तीसरा जो होता है वो आपका संक्षेपण, तो संक्षेपण तो सब लोग कर लेते हैं, वो देख लेंगे, लिख लीजिए सब लोग संक्षेपण, तो 3-4 ये क्वेश्चन फिक्स है। हाँ, उसके बाद एक समास और संधि, समास व संधि, इससे क्वेश्चन सियोर है, रहता है समास और संधि, तो इतना क्वेश्चन आप देख लेंगे। थोड़ा संज्ञा भी देख लेंगे, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये सब देख लेंगे, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं वो आप देख लेंगे, लिख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, समास संधि, तो ये आपका हिंदी हो जाएगा। अब रह गई इंग्लिश की बात, इंग्लिश भी बहुत टफ नहीं है। इंग्लिश में क्या है, आपका फ्रेज आएगा, है ना, फ्रेज आएंगे, उस फ्रेज को पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, तो वो आपका करीब करीब मुझे लग रहा है 10 या 20 मार्क्स का रहता है, 50 में 10 मार्क्स का फ्रेज है, है ना। उसके बाद उसमें आपका प्रीपोजिशन फिलिंग रहता है, प्रीपोजिशन को भरिए, तो ये सब आप कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और 10th क्लास की बुक को उठा के एग्जाम के 10 दिन पहले भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, उसको अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। दूसरा पेपर आपका रीजनल लैंग्वेज है, तो रीजनल लैंग्वेज आप जो ले रहे हैं वो पढ़िए, ट्यूशन यदि पॉसिबल है तो जरूर करिए, है ना। मेरा खोरठा में 150 में मैंने 120 मार्क्स लाया है, ये अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है, मेरे को नहीं लगता कि इतना कोई लाया होगा, और जबकि खोरठा में मैं एकदम का रीजनल लैंग्वेज, आप रीजनल लैंग्वेज जो भी लीजिए लेकिन प्रॉपर में उसकी भी, उसका भी गाइड लें। कोई टीचर है यहाँ पे नागपुरी के भी बहुत है, सुधीर रॉय है, और एक कोई मैम पढ़ाती हैं, खोटा के विनोद सर हैं, बीएन होदार सर हैं, तो आप उनसे क्लासेस ले सकते हैं। उसके बाद आपका बाकी पेपर के भी आप अलग अलग ट्यूटर से क्लास, अलग अलग जगह एक्सपर्ट से आप क्लास कर सकते हैं, है ना, सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट से क्लास करें, मेरा ये सजेशन है। मेरा कोई ये बोलने का कोई मकसद, कोई ये नहीं है, बस मैं निष्पक्ष हो के मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूं कि आप यदि क्लासेस ले रहे हैं तो एक्सपर्ट से क्लासेस ले। हिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटी के एक्सपर्ट्स हैं, साइंस और ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स हैं, तो आप जो भी क्लास ले एक्सपर्ट से क्लास ले, क्योंकि आपका ये करियर का सवाल है। आप इमोशनली, ठीक है, आप बहुत, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम है कि वो इमोशनली टीचर से अटैच्ड होते हैं, जैसे बहुत मेरे से अटैच्ड हैं। अब मैं साइंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और मुझे बोला जाए कि आप हिस्ट्री पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, सॉरी पॉलिटी पढ़ाइए, मैं तो पढ़ा दूंगा क्योंकि मैंने एग्जाम पास किया है, लेकिन वो मेरा एक्सपर्टाइजेशन नहीं होगा, मैं आपको उसमें कॉन्फिडेंटली गाइड नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज होना चाहिए, आप एक्सपर्ट से पढ़ें, क्योंकि आपको अधिक से अधिक, आपका बस गोल होना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स, आप मैक्सिमम मार्क्स कितने ला सकते हैं, ये आपका गोल होना चाहिए, आप हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ला सकते हैं। तीसरी बात, ये तो हो गई पढ़ाई की, आप कैसे पढ़ेंगे, ज्यादा कोशिश कीजिए अभी ऑनलाइन, चूंकि देखिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा आप उसको, आप क्या बोलेंगे, आप ऑनलाइन क्लास को
प्रिफर कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और आपके पास समय कम है। तो कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस है ना करने की, वो भी झारखंड के टीचर जो भी हैं अच्छे, क्योंकि वो आपको बेटर जेपीएससी के लिए पढ़ा सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अच्छा क्वालिटी का है वो क्लास आप अटेंड कीजिए। अब रह गई, वो तो क्लास की बात हो गई, फिर आप घर में कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं। तो घर में ये ध्यान से आप सुनिएगा, घर में कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं। देखिए, जब आप मेंस लिखने जाते हैं तो सबसे पहला चीज क्या होता है, एग्जाम पास होने का जो पहला कंडीशन है वो ये है कि आप इतना प्रैक्टिस कर लें अपने घर में राइटिंग। देखिए, यहाँ पे राइटिंग स्किल की जरूरत है, पीटी में आपका नॉलेज का जरूरत है, यहाँ पे नॉलेज प्लस राइटिंग स्किल, आप कितना बेटर लिख सकते हैं इस पे आप एग्जाम आपका पूरा डिपेंड है। तो आप यहाँ पे दिमाग में एकदम ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में ये चीज बिठा लीजिए कि जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हो तो आपका पेन प्लस वॉच और प्लस आपका ब्रेन, ये तीनों एक साथ काम करना है, मतलब तीनों का स्पीड सेम होना चाहिए। ये मंत्र है, ये हमारे गुरु भी हमको ये बताए थे जब मैं तैयारी शुरू किया था। तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैंने जिनसे गाइड लिया जो भी गुरु हैं हमारे, उन्होंने भी यही बात बताया कि आपका ये तीन चीज यदि सही चलेगा तो आप एग्जाम आराम से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेन, वॉच और ब्रेन साथ में चलना चाहिए। अब ये तीनों को साथ में चलने के लिए आपको करना क्या होगा, घर में ये मंत्र है, यही मंत्र को याद रखिए, घर में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। घर में कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो थोड़ा देखिए। तो पहले मैं बता रहा हूं कि आप सबसे पहले तो ये जानिए कि आपको एग्जाम में कैसी कॉपी दी जाएगी। तो जेपीएससी के एग्जाम में एक आपको बुकलेट टाइप का कॉपी दिया जाएगा और वो रूल वाला होगा, जैसे बिहार में व्हाइट पेज दिए जाते हैं, यहाँ रूल वाला होता है, थोड़ा चौड़ा होता है और इसमें 48 पेजेस होते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। 48 पेज का मतलब हो गया कि जैसे दो, एक पेज इधर एक पेज ये, मतलब ये केवल काउंट होता है, मतलब कहने का मतलब है एक पेज में दो आगे और पीछे, तो 48 × 2 मतलब 96 पेजेस आपके होते हैं आगे पीछे करके। तो इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत ये कम नहीं पड़ता है। बहुत लोग छोटा लिखते हैं, बहुत लोग बड़ा लिखते हैं, तो छोटा लिखिए चाहे बड़ा लिखिए, कम नहीं पड़ता है, बहुत है, ठीक है ना, बहुत है, उतना पेज का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, आप घर में प्रैक्टिस अभी से रूल वाली कॉपी में कीजिए। और रूल वाली कॉपी कौन सी, मैं बता देता हूं, पहाड़ी मंदिर के पास एक शॉप है जो वहां पे वो थोक पेपर बेचते हैं, वहां से मैं जो किया था वो बता रहा हूँ, वहां से मैं ले आया 500 रुपीज 1 kg का वो लेते हैं और बहुत वो वेट में बहुत होता है, उसको आप खरीद लीजिए और उसको खरीद के उसको जैसे वो एक इतना बड़ा होता है उसको आप जब चार पार्ट में फोल्ड कर देंगे ना, तो चार पार्ट में जब फोल्ड करेंगे तो उसका एक पार्ट जो है वो जस्ट लाइक जेपीएससी का जो कॉपी आता है उसी के जैसा होता है, उतना ही साइज का, उतना ही लेंथ, उतना ही ब्रेड्थ, सब कुछ उतना ही होता है। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने भी वही किया, मैंने उस कॉपी को लाया और उसको चार पार्ट में बांट के उसको मैं वो जेपीएससी के टाइप का वो मैंने बुकलेट बनाया और बुकलेट बना के मैंने प्रैक्टिस किया। तो आप प्रैक्टिस उसी में करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप समझिए। आपको एग्जाम में, जैसे मैं आपको एक पेपर की बात करता हूँ, जैसे आपका हो गया ज्योग्राफी ही लीजिए, ज्योग्राफी में आपको जो है आपको पता होगा कि, या कोई पेपर की बात कीजिए, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों, चूंकि एक साथ आता है, आप जानते होंगे ये पेपर थर्ड है, थर्ड पेपर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं, 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को छोड़ के हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन और ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन करने हैं,
अब एक सवाल उठता है, देखिए हिस्ट्री में, हिस्ट्री का पहले बात करते हैं। हिस्ट्री में सेक्शन चार है, सेक्शन चार है। एक हो गया आपका एंशिएंट, दूसरा मिडेवल, तीसरा मॉडर्न और चौथा झारखंड। हिस्ट्री में आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें से दो सेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप घर से तीन सेक्शन को कंप्लीट करके जाएंगे, क्योंकि ये आप दो सेक्शन करते हैं तो थोड़ा आप रिस्क ले रहे हैं, तीन सेक्शन करके जाएंगे तो रिस्क कम है। आप मान लीजिए कोई एक सेक्शन का क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आप दो क्वेश्चन, दो सेक्शन है बाकी, है ना। चार सेक्शन करना, क्योंकि आप अभी देखिए समय कम है तो चार सेक्शन थोड़ा करना, चार सेक्शन करने में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि बाकी सब्जेक्ट को पढ़ें, तीन सेक्शन करके जाएं। आप मेरे हिसाब से एंशिएंट करें, मिडेवल करें और झारखंड करें। मॉडर्न करेंगे तो थोड़ा फंसने की चांसेस है, क्योंकि पिछले बार जो लोग, जिन लोगों ने मॉडर्न को ऑप्ट किया था वो फंस गए थे, क्वेश्चन एकदम घुमा के दिया था। एंशिएंट में क्वेश्चन ज्यादा ट्विस्टेड नहीं होता है, मिडेवल में भी ट्विस्टेड नहीं होता है, थोड़ा झारखंड में ट्विस्ट करते हैं, लेकिन आप बना लीजिएगा। पिछले बार देखिएगा मिडेवल में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था, मोहम्मद बिन तुगलक की सिक्का नीति, जो क्वाइन जो है उसका, सिक्का का जो नीति था उस पे, क्वाइन पॉलिसी पे लिखना था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एंशिएंट से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था चोल प्रशासन, चोल एडमिनिस्ट्रेशन। झारखंड से भी क्वेश्चन बिरसा मुंडा आंदोलन था, थोड़ा सरदारी आंदोलन जोड़ दिया था, तो लिखा जा सकता है, लेकिन मॉडर्न में क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड होता है। तो आप ये तीन करके जाइए तो आप दो सेक्शन कवर कर लेंगे। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में आप जो है उसमें भी चार सेक्शन है। पहला सेक्शन आपका फिजिकल है, फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी। तीसरा क्वेश्चन है इकोनॉमिकल एंड सोर्स रिसोर्स ज्योग्राफी, रिसोर्स ज्योग्राफी। और चौथा है झारखंड। मैं पढ़ाऊंगा आपको तीन सेक्शन, फिजिकल, इंडियन और झारखंड। और ये आपको मैं ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चारों से आएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव चारों से आएगा। देखिए एक चीज मैं और बता देता हूँ, हिस्ट्री में थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी और साइंस है इसीलिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ और कैसे आएगा आपको। हिस्ट्री में 10 ऑब्जेक्टिव आएंगे और ज्योग्राफी में 10 ऑब्जेक्टिव, तो ये टोटल 20 ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन। बाकी आपको दूसरा हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन करने हैं और 40 मार्क्स के, 80, ठीक है। और ये आपका 20 ऑब्जेक्टिव है तो ये इंटू 2 मतलब 40 मार्क्स के, हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन और ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन, तो टोटल हो गया 200, ठीक है। तो यहां पर हिस्ट्री में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 सेक्शन करके जाएंगे, क्वेश्चन 2 करने हैं। ज्योग्राफी में भी 3 सेक्शन आप करके जाएंगे, 4 सेक्शन है लेकिन 3 करके जाएंगे और 2 क्वेश्चन बनाएंगे। फिजिकल करेंगे, इंडियन करेंगे और झारखंड करेंगे, या फिजिकल करेंगे, झारखंड करेंगे और इकोनॉमिकल एंड रिसोर्सेज ज्योग्राफी करेंगे, जो आपकी मर्जी, जिस पे आप ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वही हो, लेकिन हाँ मैं एक सजेशन दूंगा कि आप फिजिकल तो करें ही करें, और झारखंड तो हर सेक्शन का झारखंड करना है, याद रखिए हर सेक्शन का आप झारखंड करने का रीजन है। देखिए थोड़ा यही स्ट्रेटजी है, क्योंकि झारखंड वाले जो सेक्शन की कॉपी है, जो सेक्शन है, वो झारखंड के टीचर चेक करेंगे और बाकी सेक्शन के जो कॉपी है वो बाहर से टीचर आते हैं, है ना। तो आप झारखंड सेक्शन जरूर करेंगे हर सब्जेक्ट का, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, उसका करना है झारखंड, चाहे इकोनॉमिक्स हो, क्योंकि झारखंड वाला सेक्शन झारखंड के टीचर चेक करते हैं और थोड़ा वो लिबरल होके चेक करते हैं, आपको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बनते हैं। तो आप इस तरह से ये दोनों में ऑप्ट करेंगे, हिस्ट्री का 3 सेक्शन और ज्योग्राफी का 3 सेक्शन लिख लीजिए। हिस्ट्री में आप करना चाहेंगे तो एंशिएंट, मिडेवल और झारखंड, और ज्योग्राफी में लिखिए फिजिकल, इंडियन और झारखंड। फिजिकल तो मस्ट है, झारखंड भी मस्ट है, ये आप करेंगे।
मतलब इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास ये लिबर्टी है कि आप किस सेक्शन को करेंगे। बाकी साइंस की बात अब हम कर रहे हैं, साइंस में देख लीजिए, साइंस में आपका उसमें भी 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 सेक्शन है। सबसे पहले तो ये जानिए 5 सेक्शन है साइंस के, साइंस के 5 सेक्शन है। पहला तो फिजिक्स है, दूसरा है बायोलॉजी, तीसरा है इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक। ये सबके पास सिलेबस होगा। 5 सेक्शन में से आपको हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन करना है, हर सेक्शन से एक क्वेश्चन, और ये 32 मार्क्स का होता है। बाकी में सब 40 मार्क्स के हैं, ये 32 मार्क्स का है, ठीक है। कहने का मतलब है 32 × 5 = 160। और आपका ऑब्जेक्टिव है आपका 20 क्वेश्चन, 40, तो टोटल आपके 200 हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको 5 सेक्शन से एक एक क्वेश्चन करना है 32 मार्क्स का, और 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका हर सेक्शन से 4-4 रहेगा, 4-4 ऑब्जेक्टिव हर सेक्शन से। कहने का मतलब है कि एग्जाम को पास करने के लिए साइंस बहुत ही जरूरी है, अच्छा होना, इसमें अच्छे मार्क्स लाना। और चूंकि इसमें अच्छे मार्क्स उठ सकते हैं क्योंकि ये टेक्निकल है, इसमें आलतू फालतू बात लिखने का स्कोप नहीं है। जो टेक्निकल वर्ड्स और इसके टेक्निक के हिसाब से लिखेंगे उनको अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि हिस्ट्री और पॉलिटी जैसा मार्क्स इसमें नहीं उठता है, इसमें जो भी आप लिखेंगे मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह में है कि 60%, बहुत अच्छा लिखे 70%, लेकिन इसमें साइंस में आपको 100% मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आप थ्योरी है बहुत सारे। जैसे पहले जो साइंस होता था वो थोड़ा क्या आप बोलेंगे, थोड़ा सा आपके इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ था, प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन आते थे। लेकिन चूंकि अब प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन नहीं है, एकदम थ्योरी है, ये दो में थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन बनता है, लेकिन बाकी में थ्योरीज हैं। जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में आपका मेंडल थ्योरी है, लैमार्क पढ़ना है आपको, डार्विनिज्म है, ठीक है, सेल थ्योरी है, तो ये सब आप सिलेबस देखिएगा है, तो वो सब लिखेंगे जितना बढ़िया उतना आपको अच्छे 100% मार्क्स आएंगे। तो साइंस पे आप फोकस, ये मेरा सब्जेक्ट इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एकदम फैक्ट है कि आप इसमें अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। एक चीज और, साइंस में आपका क्या है, आपका वर्ड लिमिट है, बाकी में वर्ड लिमिट नहीं है, इसमें वर्ड लिमिट है। वर्ड लिमिट आपको इसमें 500 to 600 वर्ड्स में लिखने हैं, और ये वर्ड लिमिट को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कम जाएंगे। इसीलिए इसका तो खास करके बहुत अच्छे से साइंस का प्रैक्टिस करना होगा आपको, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए। वर्ड लिमिट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो इसमें आपके मार्किंग घट जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। बाकी पेपर में वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन अब ये भी नहीं है कि आप जितना मन किया उतना लिख दें। अब एक सवाल उठता है कि साइंस में तो ऊपर लिखा हुआ रहेगा हाँ कि स्टूडेंट्स जो है वो 500 to 600 वर्ड लिमिट में ही आंसर करें, बाकी पेपर में क्या करेंगे भाई, कितना लिखेंगे? तो एकदम सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी बात है। देखिए, अब हिस्ट्री में मान लीजिए एक क्वेश्चन आया फुल लेंथ का, 40 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, या क्वेश्चन में ए और बी देके 20-20 मार्क्स का भी आ सकता है। पिछले बार आया है इस तरह का क्वेश्चन, पॉलिटी में इस तरह का क्वेश्चन दिया था, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब में इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या तो 40 मार्क्स का फुल लेंथ क्वेश्चन या 20-20 मार्क्स के दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में, दो सब सेक्शन। अब इसको कैसे आप देखेंगे कि कितना हम लिखें? देखिए, लिखना आपका वर्ड लिमिट भी बहुत जरूरी है, चूंकि आप ये ग्रेजुएशन की एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आपका वर्ड लिमिट, आपका लिखावट एकदम
कसा हुआ होना चाहिए, कम से कम शब्द से ज्यादा एक्सप्लेन करना है आपको। तो यहां पे जनरली होता क्या है ना कि आप जैसे 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन में आप कितने वर्ड्स में लिखेंगे, तो एक फार्मूला है जो सिविल सर्विसेज में फॉलो किया जाता है, आप 220 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 800। और यहां पर आप क्या है, यहां पर कहने का मतलब है 200 बैक जाइए तो 600 से 800 वर्ड के अंदर आपको लिखना है बस, ठीक है। मतलब 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 800 वर्ड्स हो गए, और 600 से 800 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है, ठीक है। मतलब 800 से ज्यादा आप नहीं जाएंगे, ठीक है। 20 मार्क्स का है तो 220 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 से, इसको 20 मल्टीपल रूल भी बोलते हैं, है ना। तो यहां पर आपका 400, मतलब 300 टू 400 के बीच में, मतलब मैक्सिमम 400, 300 टू 400, 300 से ना कम लिखना है और 400 से ज्यादा नहीं लिखना है। तो यही जो होता है वर्ड्स को कैलकुलेट करने का ये रूल है। कहां पे ये रूल है, जहां पे मेंशनड नहीं है, जहां पे एग्जाम में मेंशन किया हुआ नहीं है कि आप कितने वर्ड में इसको लिखेंगे, तो आप ये रूल को फॉलो करेंगे। और यही रूल है, आप तो जान ही रहे, 40 मार्क्स के आएंगे नहीं तो 20 मार्क्स के आएंगे सारे पेपर में। केवल साइंस में आपको वहां पे लिखा हुआ है, साइंस में लिखा हुआ, देखिए साइंस में भी आप देखिए 32 मार्क्स का है, तो आप इसको 20 से गुना कीजिए तो ये हो गया 640। तो देखिए सही है ना, एग्जाम में लिखा हुआ भी रहेगा 500 से 600 वर्ड के बीच में, तो एकदम एक्यूरेट ये कैलकुलेशन है। उसी तरह बाकी को भी आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रेटजी होगा कितने वर्ड्स में लिखेंगे। तो याद रखिएगा 40 मार्क्स के क्वेश्चन को आप 600 से 800 के बीच में लिखेंगे, और 20 मार्क्स के क्वेश्चन को आप 300 टू 400 वर्ड्स के बीच में लिखेंगे। और साइंस का तो ऑलरेडी मेंशनड है ना, साइंस का मेंशनड है ना। अच्छा, आप रीजनल लैंग्वेज की बात करेंगे तो खोरठा में आप देखिएगा 10 नंबर और 7 नंबर का क्वेश्चन आया था, नागपुरी वगैरह का क्या हम नहीं जानते हैं, खोरठा में 10 नंबर 7 नंबर ऐसे क्वेश्चन था, है ना, 10 से ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही रूल को फॉलो करना है, 20 मतलब 200 वर्ड्स, यदि 10 नंबर रखा है कि 200 वर्ड्स, और 7 नंबर का है तो 150 वर्ड, ये लिख लीजिए आप। ये खोरठा की बात, रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। तो हमेशा 20 रूल याद रखेंगे, इसको लिख लीजिए 20 मल्टीपल रूल इसको बोलते हैं, 20 मल्टीपल रूल, ठीक है। तो बाकी साइंस में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, साइंस में तो लिखा हुआ है, बाकी में आपको ये फॉलो करना है। अब एक सवाल उठता है कि आप कैसे ये मेजरमेंट करेंगे कि हम 800 लिख रहे हैं कितने, मतलब वहां पे एग्जाम में तो आपको यह समय नहीं होगा कि आप उसको काउंट कर सके, काउंट करेंगे तो पता चलेगा एक ही क्वेश्चन में लटक गए हैं। तो इसके लिए आपको घर में प्रैक्टिस करनी होगी कि आप कैसे 800 लिखेंगे। आपको प्रैक्टिस, ध्यान से सुनिएगा कैसे प्रैक्टिस करना है इसको, प्रैक्टिस ऐसे करना है आप, मैंने बताया कि आप रूल वाली कॉपी खरीद लीजिए, कहां से खरीदिए, पहाड़ी मंदिर के बगल में एक प्रेस है, हम नाम भूल रहे हैं, हम वहां से एक कॉपी खरीदिए, उसको ये बड़ा सा रूल वाला कॉपी है उसको चार पार्ट में बांटिए, और एक पार्ट जो है आपका चार पार्ट में बांटिए, एक पार्ट का जो लेंथ और ब्रिथ है वो जेपीएससी के एकदम लेंथ और ब्रिथ के बराबर होता है एकदम, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, घर में एक क्वेश्चन उठाइए और उसको 800-800 वर्ड्स में 40 मार्क्स का क्वेश्चन, बल्कि पिछले बार का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको एक उठाइए, और 40 मार्क्स के क्वेश्चन को आप 800 वर्ड में उस पेज में लिखिए जो पेज हमने बताया। घर दुकान से बहुत सारी कॉपी आती है तो वो सारा कॉपी का अंदाज नहीं मिलेगा आपको, वो सारे कॉपी या तो पतले होते हैं, मतलब उनका लेंथ कम होता है, ब्रिथ कम होता है, तो वो जेपीएससी के हिसाब से प्रैक्टिस करके जाइएगा घर से तो वहां गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। कितना पेज में लिखे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली कि पहाड़ी मंदिर के बगल में एक प्रेस है,
शायद हल्दर प्रेस या कुछ है, वहां पे वो पेज वो लोग बेचते हैं केजी के हिसाब से, वो आप खरीद लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए चार पार्ट में बांट के। आप क्या कीजिए, घर में लिखिए और 800 वर्ड्स में लिखिए एक क्वेश्चन का आंसर, 700 से 800 वर्ड्स के बीच में, और देखिए कि कितना पेज जा रहा है। क्योंकि देखिए आपका हैंडराइटिंग जो है वो चेंज नहीं होगा, आप जो वर्ड्स लिखते हैं उसका साइज कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि वो एक बार आप लिख चुके तो लिख चुके, और उसके हिसाब से देखिए कि आप कितना पेज लिखते हैं। क्योंकि देखिए हर कोई का लिखने का स्टाइल अलग होता है, कोई बड़ा लिखते हैं, कोई छोटा लिखते हैं, कोई स्पेस देकर लिखते हैं, तो आप अपने हिसाब से अंदाज लगाइए कि आप 800 वर्ड्स उस पेज में कितना लिखते हैं। मान लीजिए आप उस पेज में पांच लिखते हैं, पांच पेज में 800 वर्ड रखता है, इसी अंदाज में आंसर लिखिए। मतलब फिर गिनिए मत, क्योंकि गिनने का समय नहीं, बहुत लोगों देखते हैं गिनते हैं, गिनने की जरूरत नहीं। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आप पांच पेज में लिखते हैं, कोई चार पेज में लिखते हैं, तो आप इसको गांठ बांध लीजिए कि हमको हर 40 मार्क्स के क्वेश्चन को चार पेज में या पांच पेज में लिखना है। ठीक है, वो आपका हो गया, मतलब आपका मेजरमेंट हो गया वो। अब क्या कीजिए, क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस कीजिए, अब आपको एक काम और करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज दैट एक क्वेश्चन है जो पिछले बार आया है ज्योग्राफी में, वो क्वेश्चन था कि भूकंपीय तरंग के अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मतलब दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगा, जिनको हिंदी अच्छा लगता है हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश अच्छा लगता है इंग्लिश में लिखेंगे। अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश में आया था, है ना, कि डिस्क्राइब अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स। अब ये 40 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप करना क्या है, आपको एकदम ध्यान से सुनिएगा, आप 40 मार्क्स का जब क्वेश्चन होगा तो आप घर में जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको, इस क्वेश्चन को इसी टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। इसको आप 40 मार्क्स के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे और 20 मार्क्स के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब दोनों के हिसाब से लिखेंगे। यही आपका कलाकारी है वहां पे एग्जाम सेंटर में। उसके लिए आपको घर से प्रैक्टिस करना होगा कि आप किसी क्वेश्चन को कितना बढ़ा सकते हैं और कितना घटा सकते हैं। अब 40 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको 800 वर्ड्स में लिखने हैं मैक्सिमम, और 20 में हमने बताया 400 वर्ड्स में, तो एकदम हाफ हो गया। इसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे 800 वर्ड्स में भी, और क्या है, और आप 400 वर्ड्स भी, और यहीं पे आपका कलाकारी है। यहीं पे आप ये यदि जिस दिन आप कर लेंगे उस दिन एग्जाम पास होने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि हम क्या बोले, क्वेश्चन ऐसे आता है, या तो एक फुल लेंथ क्वेश्चन देगा या एक क्वेश्चन में ए और बी देगा। जैसे पिछले बार का सब लोग क्वेश्चन देखेंगे जरूर, जैसे आप देखेगा पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह के क्वेश्चंस थे, ए और बी, एक क्वेश्चन के दो पार्ट, 20 और 20। तो हो सकता है हिस्ट्री में नहीं दिया था, ज्योग्राफी में नहीं दिया था इस तरह का, लेकिन हो सकता है इस बार दे दे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रूल रेगुलेशन तो फॉलो हो नहीं रहा है। जो मॉडल ये लोग सिलेबस जारी किए इस बार पीटी में भी बहुत सारे वो नहीं थे क्वेश्चन, तो आप इस तरह का प्रैक्टिस करके जाइएगा आप, या एकदम गांठ बांध लीजिए कि किसी एक क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आप 40 मार्क्स के लिए कर रहे हैं तो 20 मार्क्स का भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, और वो आप ये प्रैक्टिस जो है आपको घर में करना होगा। और मैं भी बताऊंगा कि आप उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे 40 को 20 में घटा देंगे, 20 को 40 में बढ़ा देंगे। जैसे अभी देखिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं,
जनरली हम लोग हिस्ट्री वाला वो क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक का जो क्वाइन पॉलिसी है, सिक्का नीति जो है, वो हम लोग जनरली शुरू से, जब से हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तब से, मतलब 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, तब से हम लोग उसको एक पैराग्राफ में हम लोग पढ़ते थे। अब एक पैराग्राफ में कितना वर्ड होगा, ठीक है, तो बहुत कम होगा, लेकिन अब 40 मार्क्स में वो लिखने दे दिया, मतलब 800 वर्ड में। तो मैंने उस क्वेश्चन को किया था और मैंने बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि मैं, मेरा वो प्रैक्टिस किया हुआ था, मेरे को लग रहा था कि ये 40 मार्क्स में भी दे सकता है और 20 में भी दे सकता है, तो 20 में तो लिख लिया जा सकता है एक पैराग्राफ के हिसाब से, लेकिन 40 मार्क्स के लिए 800 वर्ड्स में लिखना थोड़ा टफ था। मैंने चूंकि घर में प्रैक्टिस कर, मतलब मेरा प्रैक्टिस किया हुआ था और मैंने बहुत अच्छे से लिखा है ना, तो प्रैक्टिस वो कैसे लिखा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में सफलता दिला सकता है। तो आप ये करेंगे तो हर ये चीज आप समझ गए, नोट कर लीजिए, ये चीज नोट कर लीजिए कि 40 मार्क्स को 20 में भी और 20 को 40 में, ये बढ़ाने और घटाने का कला आपको आना चाहिए, तभी आप एग्जाम पास करेंगे, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने होंगे। और हम बार बार बोल रहे हैं कि मैं जो पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में, उसको 40 में भी लिखेंगे, 20 में भी लिखेंगे। साइंस में भी हो सकता है ऐसा कि 32 मार्क्स को वो दो पार्ट में बांट के दे दे, 16 और 16, ये भी हो सकता है कि वो चार पार्ट में बांट के दे दे, 8 8 8 8, क्योंकि सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम इसको है ना कैसे देंगे। उन्होंने साफ लिखा है कि एक क्वेश्चन 32 मार्क्स का होगा। अब क्वेश्चन के अंदर सब नहीं आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर सब सेक्शन होगा कि नहीं होगा वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आपको ये प्रैक्टिस करके जाना होगा। या तो एक 32 मार्क्स का क्वेश्चन, और याद रखिए साइंस में 500 टू 600 वर्ड्स, या तो 60 मार्क्स का 16 16, या तो 8 8 8 मार्क्स का चार क्वेश्चन, इस तरह आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। ये तो हो गया प्रैक्टिस की बात। अब रह गया एग्जामिनेशन हॉल में एक दो चीज का आपको ख्याल रखना होगा, उसका भी आपको घर से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करेंगे तभी आपको मार्क्स आएगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 मिनट का टाइम लेंगे और 2 मिनट में आप पीछे रफ, एक पेज को रफ बनाएंगे पीछे, और रफ पेज में आप उसका एक फ्रेम बनाएंगे कि हमको उसमें लिखना क्या क्या है, क्या क्या लिखना है। जैसे हम अभी एक ज्योग्राफी साइंस का हम बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, इस बार जो आया था आप देखे होंगे क्वेश्चन, लिंग सहलग्न वंशागति, लिंग सहलग्न वंशागति, सेक्स लिंक्ड, लिंक्ड इनहेरिटेंस पे बात हो रही थी, इस पे ये क्वेश्चन लिखने आया था 32 मार्क्स का। अब इसका हमने फ्रेम बनाया कि हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन था लिंग सहलग्न वंशागति क्या है, है ना, उदाहरण के साथ इसको समझाएं। तो हमने फ्रेम बनाया कि पहले लिंग सहलग्न क्या है, पहले मैंने डिफाइन किया लिंग सहलग्न क्या है, सेक्स लिंक्ड क्या है, फिर उसकी वंशागति क्या है, पहले क्या है उस पर हमने चर्चा किया, उस पर हमने चर्चा किया, फिर इसके हम ये था इसके प्रकार होते हैं, तो थर्ड हमने लिखा उसके टाइप्स, और फोर्थ हमने लिखा उसके टाइप्स के उदाहरण। तो ये हमने फ्रेमवर्क बना लिया। फ्रेमवर्क बनाने से दो फायदा है, एक तो आपका जो वर्ड लिमिट वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आप लिख रहे हैं बिना कोई स्ट्रेटजी बनाए हुए, बिना कोई फ्रेम बनाए हुए, तो क्या लिख रहे हैं पता नहीं चलेगा, उसमें आपका एक मतलब गलती होने का चांसेस है कि आप अपने आंसर से डाइवर्ट भी हो सकते हैं। और फ्रेम बनाने से क्या होगा कि आप एक लिमिट में रहेंगे कि नहीं हमको यही लिखना है, है ना, हमको यही लिखना है, लिंग सहलग्न क्या है वो लिख लिए, फिर पलट के देखिए कि अगला क्या हमने बनाया फ्रेम, तो वंशागति क्या है, फिर अगला क्या बनाया तो उसका प्रकार, तो आप क्या है कि अपने दायरे में रहेंगे। अब जब दायरे में रहेंगे तो आपका आंसर भी सटीक होगा, वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं करेंगे,
और सिस्टम वाइज लिखेंगे तो सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो आपका समय भी बचेगा, समय भी बचेगा। समय पे मैं बात करूंगा, अभी कितना समय में कितना लिखना है पहले ये समझ लीजिए। तो ये फ्रेम बनाएंगे, और ये फ्रेम अचानक एग्जाम में जाके आप बनाएंगे तो नहीं हो सकता, घर में प्रैक्टिस कीजिए इसको। क्वेश्चन जो लिखते हैं उसका पहले पीछे साइड में फ्रेम बनाइए कि हमको उसके अंदर लिखना क्या क्या है, और लिखने के दौरान बार बार उसको पीछे एक बार एक सेकंड दो सेकंड टाइम लगेगा, पलट के देखें कि हम लिख क्या रहे हैं, क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या मेरा आंसर डाइवर्ट नहीं ना, मैं अपने आंसर से अलग हटके या मैं विचलित या डाइवर्ट नहीं ना हो गया हूं। तो आपको चेक करने के लिए फ्रेम बहुत काम आएगा, और वर्ड लिमिट को क्रॉस भी नहीं करेंगे, तो ये आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब दूसरी बात ये रह गई कि आप कितने समय में एक क्वेश्चन को लिखेंगे, ये भी बात है, ठीक है। अब इसको ऐसे देखिए, 5 क्वेश्चन हैं, आपके पास 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटा मतलब 180 मिनट में मैं बांटता हूं इसको, है ना। तो आपके पास हाँ ठीक है, ये 180 मिनट्स आपके पास है, ठीक है, मतलब आपके पास है 900 मिनट्स, 900 मिनट्स, ठीक है, या एक मिनट, 180 मिनट्स, इसको 5 से आप डिवाइड कीजिए, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो गया, ये 5 या 15, 36 मिनट, 36 मिनट आपके पास एक क्वेश्चन के लिए है, एक क्वेश्चन के लिए 36 मिनट्स है, जिसमें से आप जो है इसमें से 6 मिनट निकाल दीजिए हर क्वेश्चन का। इसलिए निकालने बोल रहा हूं कि 6 × 5 5 क्वेश्चन है, तो 6 × 5 = 30 मिनट आप हटा दीजिए इसमें से, क्योंकि ये 30 मिनट में आपको OMR सीट फिलअप करना है, इनविजिलेटर आएंगे आपको साइन करना है, स्टैंप लगाना है, ठीक है ना, अपना थंब लगाना है, तो ये सब में वो समय बीत जाता है। प्लस फ्रेम, हम अभी बोले कि आप पीछे एक क्वेश्चन के पहले 2-2 मिनट टाइम दीजिए, फ्रेम करिए, फ्रेमिंग कीजिए, अच्छा फ्रेमिंग कीजिए, तो इस तरह से आप फ्रेम तो ये निकाल लीजिए। तो कहने का मतलब है आप घर में एक क्वेश्चन को लिखने के लिए 30 मिनट का प्रैक्टिस कीजिए, 30 मिनट में आप क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 30 मिनट में आप आंसर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका सारा छूट जाएगा। तो ये आपका स्ट्रेटजी है, इतना कुछ आप करेंगे तो आपका आप एग्जाम में जरूर पास करेंगे। तो समझ गए, पेन ब्रेन और आपका वॉच एक साथ चलना चाहिए, उसके लिए आपको घर में प्रैक्टिस करना होगा। एक क्वेश्चन को 30 मिनट में लिखना है, और मान लीजिए क और ख आएगा 2 क्वेश्चन तो 15-15 मिनट में, 20-20 यदि 20-20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 15 से 20 मिनट में, और 40 नंबर का आएगा तो 30 मिनट में। कॉपी आपका रूलदार होना चाहिए, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, थोड़ा लंबा होना चाहिए, ठीक है, और फ्रेम वर्क करना है आपको। तो ये सारा कुछ आप करेंगे तो आप एग्जाम पास कर जाएंगे, पक्का है एकदम। और हम लोग अब कल से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा आपको आपके फी स्ट्रक्चर में भी बदलाव हुआ है, आप थोड़ा सा सर से, ज्ञान सागर वाले जो अभिजीत सर हैं उनसे आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा फी में बदलाव हुआ है, और जो पहले मेरे से पढ़ रहे थे उनका फी इसमें एडजस्ट हो जाएगा, है ना, जितना आप लोगों ने दिया है वो एडजस्ट हो जाएगा, है ना, उतना घटा के। बाकी थोड़ा सा आपको इकोनॉमिकल बर्डन दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बर्डन है, 4 महीने में करना है, मेहनत हम लोग बहुत करने हैं, तो वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। आपका सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, कितना आपने फी दे चुका है पहले से, है ना, वो सारा एडजस्ट हो जाएगा। जो 1 साल से पढ़ रहे हैं उनका तो कुछ भी नहीं होगा, जो 6 महीने 8 महीने से पढ़ रहे हैं सब एडजस्ट हो जाएगा, पैसा कोई बहुत इकोनॉमिकली कुछ भी ऐसा हम लोग के बीच नहीं होगा, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट होगा।